नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। उज्जैन पुलिस की छापामार कार्यवाही, पुलिस ने की 110 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त। जश्न में डूबा उज्जैन का महाकाल थाना, पुलिस स्टाफ ने दी संगीतमय प्रस्तुतियां। उज्जैन पुलिस ने शुरू की ई चालान कार्यवाही, सीसीटीवी से करते हैं मास्क न पहनने वाले को ट्रेस। और माकड़ोन में सब इंस्पेक्टर का जोरदार स्वागत, थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने लगाए स्टार। उज्जैन जिले के माकड़ोन थाने में पदस्थ एएसआई जुबेदा शेख और विक्रम सिंह राठौर के प्रमोशन होकर उप निरीक्षक बनने पर थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने दोनों को स्टार लगाए। इस अवसर पर एएसआई माधव सिंह लोधी के साथ कई पदाधिकारी और थाना स्टाफ भी मौजूद रहा। इसी के साथ नागरिकों ने दोनों अधिकारियों का स्वागत किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। उज्जैन शहर में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने ई चालान के जरिए मास्क ना पहनने वालों पर चालानी कार्यवाही भी की है। आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से लोगों को आइडेंटिफाई कर चालानी कार्यवाही की जा रही है। इस ई चालानी कार्यवाही की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने मीडिया से साझा की। उज्जैन में स्मार्ट सिटी के द्वारा कई जो मुख्य पूरे शहर में प्रमुख तिराहे चौराहे उन पर काफ़ी एडवांस एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं और उनको एक जो पूरा हमारा जो इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी का जो कंट्रोल रूम उसके माध्यम से इसमें ये फैसिलिटी भी ये भी क्रिएट किया गया कि ऐसे लोग जो मास्क नहीं पहनते हैं उनके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई की जाए। तो ऐसे लोग जिनके द्वारा उनको मतलब सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी गाड़ी के जो नंबर प्लेट है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके आधार पर उनके जो घरों पर जाकर ये कार्रवाई की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो आम जनता है, आम लोग हैं, जो इस समय कोविड की गाइडलाइन है उसमें पब्लिक प्लेस पर निकलते हुए। उज्जैन के महाकाल थाने से पुलिस स्टाफ का बड़े अनोखे ढंग से बधाई देने का एक वीडियो सामने आया, जिसमें थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन पर थाने में पदस्थ सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने गानों की एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां दी और इस तरह से बधाई दी। इस मौके पर पूरा पुलिस थाना जश्न में डूबा नजर आया। शनिवार को धार्मिक नगरी उज्जैन के चिंतामन थाना क्षेत्र में पुलिस ने लकोड़ा गांव में दबिश दी और बड़ी मात्रा में अवैध कच्ची शराब जब्त की है। इस पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हुए सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि लकोड़ा गांव में कुछ महिलाएं अवैध कच्ची शराब का व्यापार कर रही है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्यवाही को अंजाम दिया, जिसमें 110 लीटर अवैध कच्ची शराब, 200 लीटर लॉर्ड और 25 किलो महुआ जब्त किया गया। साथ ही आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया गया। थाना चिंतामन दवासिया में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि आसपास के गांव लेकौड़ा में कच्ची शराब बनाकर बेची जा रही है। इसी पे हमने सूचना संकलन किया, उसके बाद थाना प्रभारी और हम लोगों द्वारा वहाँ पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान हमें कई औरतें मिली हैं जो कि ये धंधा करती थी, उनको हमने अरेस्ट किया है, जिसमें 110 लीटर कच्ची शराब, 200 लीटर लार और 25 केजी हमें महुआ जब्त किया है। दिल्ली से भोपाल आए कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल राव ने देश की वर्तमान स्थिति की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में वर्तमान हालत बिगड़ रही है। इस समय में देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान आंदोलन से देश में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आए दिन छोटे बड़े सभी प्रकार के उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ राहुल राव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कई आरोप लगाए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा राहुल राव ने अपने बयान में। देखिए, रिकॉर्ड उठा के देखने की 15 साल सत्ता में से बाहर रहने के बावजूद आप इस बात को स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप मीडिया के साथ ही, आपसे कोई चीज छुप नहीं सकती।
अगर मध्य प्रदेश में वास्तविक रूप में सड़क से संसद तक कोई संघर्ष कर रहा है तो भारतीय युवक कांग्रेस लगातार करती है, जनहितैषी मुद्दों को उठाती है। हमेशा हमारा संगठन यहाँ मजबूत हुआ है और आगे और अधिक मजबूत होगा। और जहाँ तक दमोह उपचुनाव की बात है, हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के साथी लगातार काम कर रहे हैं, जनहितैषी मुद्दों को उठा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसका परिणाम जो है आपको इसके बाद देखने को मिलेगा। जहाँ तक मीडिया विभाग की बात है, हम वहाँ पे हमारे एक विशेष टीम आप मीडिया के साथियों के बीच में जनहितैषी मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और वहाँ विधानसभा स्तर की जो समस्याएं होंगी उनसे। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। अगर आप जानना चाहते हैं देश और विदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट तो जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।